मैं हूँ योशु मायापुरी, न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर शूट्स के बीच में जगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि एक्टर 4 मेजर रिलीज के लिए ऑल सेट है, जिसमें से एक बनाया जा रहा है लव रंजन द्वारा। बता दें कि हाल ही में एक्टर को लव रंजन के ऑफिस के बाहर स्पॉट किया गया था टाउन में। यहां रणबीर को ब्लैक कलर के टी शर्ट में देखा गया, ब्लू कलर के डेनिम और स्नीकर्स के साथ। उन्होंने मास्क पहना हुआ था कोरोना वायरस से अपने प्रोटेक्शन के लिए। यहाँ एक्टर काफ़ी ज़्यादा रश में नजर आ रहे थे। बता दें कि लव रंजन का जो अगला प्रोजेक्ट है वो अब तक अनटाइटल्ड है और इस प्रोजेक्ट में श्रद्धा कपूर उनके साथ नजर आएंगी पहली बार स्क्रीन पे शेयर करते हुए। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन अपने इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग परफॉर्मेंसेस के लिए जाने जाते हैं। एज अ यंग स्टार बता दे उनको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा था, एज उन्होंने कोकी पूछेगा सीरीज से काफी ज्यादा पॉजिटिव चीजें स्प्रेड की थी। इसी के चलते पेंडेमिक के बारे में कई सारे ऐसे इंटरव्यूज थे जिसमें कार्तिक आर्यन ने इस सीरीज के बारे में भी बात की और उन्होंने बात की वो इस डिजिटल सीरीज को रिवैम्प कर सकते हैं। उन्होंने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में इस चीज का हिंट भी दिया कि वो डिजिटल स्पेस में इस सीरीज को रिवैम्प करना चाह रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मदर किम फर्नांडिस को एडमिट किया गया हॉस्पिटल में बहरीन में एक हार्ट स्ट्रोक के चलते। अब तक ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उनकी कंडीशन कैसी है, वो अभी मेडिकल ऑब्जर्वेशन में है। ट्यूसडे के दिन ये हुआ और इसी के चलते जैकलीन फर्नांडिस को पैपराजी ने स्पॉट किया सलून लीव करते हुए मुंबई में। एक पुरानी वीडियो में जैकलीन ने अपनी मॉम के बारे में बात की ये कहते हुए कि उनकी मॉम उनको हमेशा से सपोर्ट करती थी और उनकी मॉम उनके लिए एक इंस्पिरेशन है। जैकलीन खुद बहरीन में पैदा हुई थी और बता दे कि वो अपनी मॉम से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है। लास्ट ईयर जैकी भगनानी और रकुलप्रीत सिंह ने अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया था और ऑफिशियल कर दिया था अपने सोशल मीडिया द्वारा। बता दें कि इसी के चलते रकुलप्रीत सिंह ने रिस्पॉन्ड किए हैं कुछ रूमर्स पर जो ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो और जैकी भगनानी जल्द शादी करने वाले हैं। पर बता दें कि रकुलप्रीत सिंह ने इन रूमर्स को रिस्पॉन्ड करते हुए कहा कि अभी वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते और उन्होंने साफ साफ कह दिया Have learned to keep my blinders on। रकुलप्रीत सिंह अपने लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सॉर्टेड हैं और क्लियर है कि कब उन्हें अपने करियर पर ध्यान देना है और कब उन्हें शादी करनी है। वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट स्टार्स ऑफ तमिलनाडु अजीत कुमार रिटर्न कर रहे हैं बड़े पर्दे पर 3 साल बाद। बता दें कि उनकी मोस्ट अवेटेड एक्शन थ्रिलर वाली माई जो 13 जनवरी को रिलीज होने वाली थी सिनेमा घरों में, अब बता दें कि ये फिल्म पोस्टपोन हो चुकी है कोविड के चलते। इसी के चलते फैंस काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि अजीत कुमार की एक अलग ही फैन फॉलोइंग है और उनको वापस बड़े पर्दे पर देखना फैंस के लिए एक बहुत बड़े ट्रीट से कम नहीं था। लेकिन देश में बढ़ते कोविड केसेस के चलते ऐसे कई सारी मूवीज हैं जो पोस्टपोन हो रही हैं। अब तक ऐसे कई सारी मूवीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है जो पोस्टपोन हो रही हैं, जैसे कि फिल्म RRR और फिल्म पृथ्वीराज चौहान। 1 जनवरी 2022 को एक्ट्रेस काजल अग्रवाल ने अपने हस्बैंड गौतम के साथ ये डिक्लेयर किया कि वो प्रेग्नेंट है और ऐसे कई सारे लोगों ने उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया जो इंडस्ट्री से थे और काजल के फैंस भी ये न्यूज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। काजल ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक ग्लिम्स शेयर की है अपने बेबी बम के साथ। इस पिक्चर में वो अपने हस्बैंड के साथ नज़र आ रही हैं। यहाँ उन्होंने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना है, एक स्लिट ड्रेस है और इसमें उनका बेबी बम साफ नज़र आ रहा है। काजल ने ये पिक्चर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की थी और उन्होंने इस पिक्चर पर 2022 का कैप्शन दिया था। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर करंटली शूट कर रहे हैं डायरेक्टर लव रंजन की येट अनटाइटल्ड रोम कॉम फिल्म दिल्ली और मुंबई में। इसी के चलते रिपोर्ट्स की माने तो बताया जा रहा है कि बहुत जल्द एक्टर इस फिल्म का रैप अप कर देंगे और उसके बाद रणबीर कपूर नई फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। हम बात कर रहे हैं फिल्म एनिमल की,
मार्च के महीने से वो इस फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं। एनिमल एक बहुत ही अवेटेड प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आएंगी और साथ ही में बॉबी देओल भी नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि बॉबी देओल इस फिल्म में एक विलन का किरदार निभाने जा रहे हैं। कुछ दिनों में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपनी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग एक बार फिर रिज्यूम करने जा रहे हैं। इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ भी नजर आएंगी पिवोटल रोल में। वहीं कोविड के बढ़ते केसेस के चलते इंडिया में अब सुपरस्टार सलमान खान ने ये डिसीजन लिया है कि वो स्ट्रिक्ट नॉर्म्स फॉलो करेंगे टाइगर 3 के सेट पर कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा बताया जा रहा है कि सलमान खान पूरी मेहनत कर रहे हैं कि वो और उनके आसपास सब लोग सेफ रहें इस कोविड के टाइम में, और वो सारे कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और एनवायरनमेंट को भी सेफ रखें। दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म गहराइयां, जिसमें उनके साथ अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी भी नजर आएंगे, तीनों एक साथ पहली बार स्क्रीन स्पेस शेयर करते हुए नजर आएंगे इस फिल्म में। वेल बता दे, हाल ही में इस फिल्म के इंडिविजुअल पोस्टर्स रिवील किए गए, जिसमें हम दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे को देख सकते हैं। वहीं इस फिल्म की रिलीज डेट भी आउट हो चुकी है। ये फिल्म 11 फरवरी को Amazon प्राइम वीडियोज यानी के OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रहा है। इस फिल्म की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बताई जा रही है। इस फिल्म की स्टोरी फोकस करता है एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप के ऊपर। बॉलीवुड के वन ऑफ दी मोस्ट रिनाउंड और रिस्पेक्टेड फिल्म मेकर माने जाते हैं करण जौहर। अनडाउटेडली उन्होंने हमें कुछ बहुत ही मेमोरेबल मूवीज दी हैं, जैसे कि कुछ कुछ होता है से लेकर ए दिल है मुश्किल तक। करण जौहर के कई सारे फिल्में हैं जिन्होंने हमें कई सारे मेमोरीज दिए हैं। बता दें कि अब फिल्म मेकर कुछ बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने की सोच रहे हैं। करण जौहर सोच रहे हैं कि वो एक बिग बजट एक्शन फिल्म बनाए। अब तक उन्होंने ऐसा बिग बजट एक्शन फिल्म नहीं बनाया होगा और इस बिग बजट एक्शन फिल्म में वो चाहते हैं कि और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन स्टार करे। लास्ट ऋतिक रोशन और करण जौहर ने कोलैबोरेट किया था फिल्म कभी खुशी कभी गम में, जिसे 21 ईयर्स हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड के लेटेस्ट न्यूज और हॉट गॉसिप के लिए सब्सक्राइब करें मायापुरी कार्ट।